नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मैला और इस समय मौजूद है करनाल में। करनाल के आसपास के गांव की अगर बात की जाए तो करनाल के आसपास के गांव में काफ़ी जल भराव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मेन सड़क पर हम खड़े हैं, गांव के एंटर की जो मेन सड़क है उस पर भी एक एक डेढ़ डेढ़ फुट पानी और आसपास के जितने भी खेत हैं वो जलमग्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से जो बारिश हुई है, कल पहला दिन था मानसून का और रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो करनाल में देखी गई, 119 mm के लगभग करनाल में बारिश हुई है, जिसके बाद पूरे करनाल की स्थिति हमने आपको कल दिखाई थी कि किस तरह से जो सेक्टर्स के हालात थे, जो पोश इलाके थे वहाँ पर किस तरह से घरों के अंदर दो दो तीन तीन फुट पानी भरा हुआ था। वहीं अगर आज की तस्वीर देखी जाए तो ये करनाल के पास गांव बल्डी गांव से देख रहे हैं कि किस तरह से जो खेतों में फसल है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। जितनी भी सब्जियां थी या धान की फसल थी वो डूब कर बर्बाद हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो आसपास के जितने भी गांव हैं, बात की जाए तो दरड सलारू जितने भी गांव वहां पर जो मेन सड़कें हैं वो तक बह गई हैं और जो जितनी भी धान की फसल थी कहीं कहीं 100 acres वो ख़राब होती हुई नज़र जरूर आ रही है और जो पुलियाँ हैं वो बंद लोग पड़ी हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को ज़रूर करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले बारिश नहीं हुई थी और किसान लगातार आस लगाए बैठे थे कि बारिश होगी तो धान की फसल अच्छी होगी, लेकिन कल मानसून का पहला ही दिन था और पहले ही दिन इतनी रिकॉर्ड तो और बारिश के बाद कहीं ना कहीं किसान काफ़ी समस्या में ज़रूर आ गए हैं। क्योंकि जिस तरह से कई 100 acres पानी भर जल भराव हो चुका है और जो पुलियां वो भी लोक पड़ी हुई हैं। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार आसपास के गांव में पहुंचना शुरू जरूर हुए हैं और लोगों की, किसानों की मुआवजे की मांग भी की जा रही है किसानों की तरफ से और स्पेशल गिरदावरी की मांग की जा रही है। क्योंकि कई 100 acres ऐसी फसल है जो बर्बाद हो चुकी है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो धान की फसल लगाई गई थी, क्योंकि किसान की तरफ से धान की फसल पर जितना खर्चा खाद दवाई बीज का जो खर्चा होता है उस पर कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही बारिश की आस लगाए किसान बैठे थे और पहले ही दिन मानसून की बारिश के बाद ही इतना जल भरा हुआ। और आप देख सकते हैं कि गांव के खेत हैं उनमें लगभग दो दो तीन तीन फुट पानी वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 24 घंटे इस पानी को खड़े हुए हो चुके हैं, लेकिन पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज़ ज़रूर है जो गांव के अंदर से आ रहा है और पानी के आगे निकासी ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना ज़रूर किसानों को करना पड़ रहा है। जो फसल की बात की जाए, अगर सब्जी की फसल की बात की जाए तो वो भी जितनी सब्जियां थी इस समय के मौसम की जो सब्जियां थी वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और अगर बात की जाए धान की फसल की वो भी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और जो किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि स्पेशल गिरदावरी की जाए ताकि जो किसान हैं उन्हें एक राहत ज़रूर मिले। पहले सूखे की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर पड़ रहा था। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से 8 घंटे के बाद उन्हें 2 घंटे और एक्स्ट्रा बिजली दी जा रही थी ताकि पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ सके। लेकिन अगर बात की जाए तो मानसून आने के बाद जो एकदम से जो बारिश आई है उसके बाद जो पहले ही दिन इतनी तेज़ बारिश होने के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो जीरी के पौधे हैं, जो धान की फसल है वो दिखाई ही नहीं दे रही है, तो अगर उससे पानी है एक या दो दिन के अंदर पानी नहीं उतरा तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। वहीं किसान लगातार जिला प्रशासन से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। करनाल से विकास मैला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मैला और इस समय मौजूद है करनाल में। करनाल के आसपास के गांव की अगर बात की जाए तो करनाल के आसपास के गांव में काफ़ी जल भराव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मेन सड़क पर हम खड़े हैं, गांव के एंटर की जो मेन सड़क है उस पर भी एक एक डेढ़ डेढ़ फुट पानी और आसपास के जितने भी खेत हैं वो जलमग्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से जो बारिश हुई है, कल पहला दिन था मानसून का और रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो करनाल में देखी गई, 119 mm के लगभग करनाल में बारिश हुई है,
जिसके बाद पूरे करनाल की स्थिति हमने आपको कल दिखाई थी कि किस तरह से जो सेक्टर्स के हालात थे, जो पोश इलाके थे वहाँ पर किस तरह से घरों के अंदर दो दो तीन तीन फुट पानी भरा हुआ था। वहीं अगर आज की तस्वीर देखी जाए तो ये करनाल के पास गांव बल्डी गांव से देख रहे हैं कि किस तरह से जो खेतों में फसल है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। जितनी भी सब्जियां थी या धान की फसल थी वो डूब कर बर्बाद हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आसपास के जितने भी गांव हैं, बात की जाए तो दरड़ सलारू जितने भी गांव वहां पर जो मेन सड़कें हैं वो तक बह गई हैं, और जो जितनी भी धान की फसल थी कहीं कहीं 100 एकड़ वो खराब होती हुई नज़र जरूर आ रही है, और जो पुलियाँ हैं वो बंद लोग पड़ी हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को ज़रूर करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले बारिश नहीं हुई थी और किसान लगातार आस लगाए बैठे थे कि बारिश होगी तो धान की फसल अच्छी होगी, लेकिन कल मॉनसून का पहला ही दिन था और पहले ही दिन इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कहीं ना कहीं किसान काफ़ी समस्या में ज़रूर आ गया। क्योंकि जिस तरह से कई 100 एकड़ पानी भर जल भराव हो चुका है और जो पुलियां वो भी लोक पड़ी हुई हैं, हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार आसपास के गांव में पहुंचना शुरू जरूर हुए हैं और लोगों की किसानों की मुआवजे की मांग भी की जा रही है किसानों की तरफ से और स्पेशल गिरदावरी की मांग की जा रही है। क्योंकि कई 100 एकड़ ऐसी फसल है जो बर्बाद हो चुकी है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो धान की फसल लगाई गई थी, क्योंकि किसान की तरफ से धान की फसल पर जितना खर्चा खाद दवाई बीज का जो खर्चा होता है उस पर कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही बारिश की आस लगाए किसान बैठे थे और पहले ही दिन मानसून की बारिश के बाद ही इतना जल भरा हुआ, और आप देख सकते हैं कि गांव के खेत हैं उनमें लगभग दो दो तीन तीन फुट पानी वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा। हालांकि 24 घंटे इस पानी को खड़े हुए हो चुके हैं, लेकिन पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज़ जरूर है जो गांव के अंदर से आ रहा है, और पानी के आगे निकासी ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना जरूर किसानों को करना पड़ रहा है। जो फसल की बात की जाए, अगर सब्जी की फसल की बात की जाए तो वो भी जितनी सब्जियां थी इस समय के मौसम की जो सब्जियां थी वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, और अगर बात की जाए धान की फसल की वो भी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और जो किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि स्पेशल गिरदावरी की जाए ताकि जो किसान हैं उन्हें एक राहत जरूर मिले, पहले सूखे की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा था। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से 8 घंटे के बाद उन्हें 2 घंटे और एक्स्ट्रा बिजली दी जा रही थी ताकि पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ सके। लेकिन अगर बात की जाए तो मॉनसून आने के बाद जो एकदम से जो बारिश आई है उसके बाद जो पहले ही दिन इतनी तेज़ बारिश होने के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो जीरी के पौधे हैं, जो धान की फसल है वो दिखाई ही नहीं दे रही है, तो अगर उससे पानी है एक या दो दिन के अंदर पानी नहीं उतरा तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना जरूर करना पड़ेगा। वहीं किसान लगातार जिला प्रशासन से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।